बॉल फिनॉल आई डी कितने इंच का है सर? कितना है सर? कम से कम 2 से 2.5 इंच तो रहेंगे। 3 पे रेटिंग बढ़ी है। ओके कोई दिक्कत नहीं है।
हो जाएगा, एक H2O निकल जाएगा। अगर
अगर आप डिहाइड्रेशन करवाते हैं तो एक एच वो निकल जाता, क्या बनता है? डबल बॉन्ड देखो ना, OH और OH में एक एच टू वो निकाल दो, एक ही बचेगा ना, ये बन गया। आप सोचो अगर मैंने तो ट्रिपल बॉन्ड लिखा है, अगर डबल बॉन्ड होता तो एक ही बार OH लगता तो वहां पे अल्कोहल बन जाता ना, दोनों एक जैसे रिएक्शन थे इसलिए अल्की अल्काइन दोनों एक साथ पड़े। आया समझ में? काउंट कर लो आप। डिग्री का होगा, 3 डिग्री पे क्या लग जाएगा?
इससे ज्यादा स्टेबल तो मिलेगा। इसमें क्या होगा, हमेशा लेस स्टेबल कार्बोक्साइड टाइप का लगाना है, लेस स्टेबल कार्बोक्साइड टाइप ये वाला पोजीशन होगा। इस वाले रिएक्शन का पर्टिकुलर नाम दिया जाता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये दूसरे स्टेप का है, ये दूसरे वाले का है, इसका है ये वाला जो है ना, इसका नाम जैसे हाइड्रेशन ऑक्सीडेशन किया जाता है वैसे ये वाला रिएजेंट के साथ ये नाम दिया जाता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, शॉर्ट में HBO बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स बनेगा, इसके बाद इसके हाइड्रोलिसिस आप करवाओगे तो यहाँ पे जाके 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास कीटोन है प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर से सारा कुछ फॉलो करना पड़ेगा आपको H3O प्लस, लेकिन इसमें क्या बन जाएगा, एक ऐसा सिंगल अल्कोहल है, सॉरी एल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड है, इसकी रिएक्शन अगर आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करवाया ना 1 डिग्री अल्कोहल, बाकी इसके अलावा जितने भी होंगे एल्डिहाइड उन सबके साथ
थोड़े टर्म के साथ एक एग्जांपल देखता हूँ। देखो मान लो आपके पास CH3 है, C डबल बॉन्ड OR है, इसके रिएक्शन आपने CH3MgBr के साथ करवाया, इसमें माइनस इस पे प्लस, यहाँ पे पोलर एक इसकी वजह से इस वाले बॉन्ड की वजह से वो वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन पे माइनस और कार्बन पे प्लस चार्ज। देखो जो CH3 पे माइनस है ना वो कहाँ पे जाएगा, कार्बन से अटैच जब तुम करोगे तो ये CH3 हो गया, सी के नीचे CH3 ऊपर हो गया MgBr और ये H। जैसे ही आप इसके हाइड्रोलिसिस करवाओगे ये वाला पार्ट निकल जाएगा, अंदर क्या जाएगा सी के ऊपर क्या लग गया OH और इधर एक एस पहले से। अब आप सोचो इस CH3 के बदले अगर H लगाते हैं तो यहाँ पर फाइनली क्या आता है, H ही आता है, बॉन्ड डिग्री अल्कोहल बनता है, आया समझ में। अगर आप इस H के बदले आप ले लेते एक और CH3 वो फिर टर्न हो जाता, तो यहाँ पे क्या आ जाता है
reaction of carbonyl compound. Carbonyl का formula है सब C double bond. इससे जो लगे उसे हम तो क्या बोलते हैं carbonyl. तो reagent use होंगे. Li LH4 से ज़्यादा. उसके बाद NaBH4. NaBH4 आपको ना एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा एसिड इन दोनों में यूज नहीं करना आपको. ये क्रॉस लगा देता मतलब इन दोनों में काम में नहीं लेना आपको. इसके अलावा H2PD भी हो सकता है, H2PDC भी हो सकता है. ठीक है, H2PD हो सकता है, H2PDC भी हो सकता है. पहला एग्जाम्पल है, मान लो आपके पास एल्डिहाइड है, समझ में आ रहा है. इसका रिएक्शन अगर आपने LiLH4 के साथ करवाया, इसके साथ करवाया LiLH4 के साथ, और ये इसको रिड्यूस कर देगा. रिड्यूस करने के बाद सेकेंडरी प्राइमरी एल्कोहल, बस करना है कुछ नहीं है. जहां पे डबल बॉन्ड लगाया ना ऊपर वाले को भी एक एच दो और नीचे वाले को, ऊपर को लगे तो एच हो जाएगा, नीचे वाला सी एच हो गया तो सी एच. अगर आर आ जाता सी डबल बॉन्ड हो सी एस थ्री, सेम रिएजेंट लगाते हैं. NaBH4 भी आप लगा सकते थे ना, कोई दिक्कत नहीं है. बस कहाँ कहाँ नहीं लगाना है, एस्टर और कार्बोक्सिलिक दोनों में से कोई लगा ले. देखो इसको एच देना है, इसको भी क्या देना है, एच. क्या हो जाता है, ये थोड़ी भी अल्कोहल बन जाता है ना. यहाँ पे सी एस थ्री है, एक एच इसको देना है. Yeah.
tax portion number 11.4, 11.5. साथ CH2 OH डायरेक्टली क्लियर इन प्रेजेंस ऑफ H3O+